ये क्या है? चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना, ठीक है। तो यहाँ से उतार रही है, हैं? एक दिन आएगा समय कि तुझे टीम से निकलना पड़ेगा। इसको घर से बाहर रखना चाहिए। ये सब क्या है? क्या है? दो रूम है ना इस घर में। मेरे रूम में रह लेगी वो। ले जाओ तो। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों मैं संजना। कैमरा लगाने का रीज़न है कि आज रोशनी मिलने आ रही है, तो मतलब फर्स्ट मुलाकात है उसकी और मेरी, इसलिए मैंने कैमरा लगाया कि मैं तो मिल ही लूँगी और साथ में मैं आप लोगों को भी मिलवा दूँ उससे कि उसका नेचर असल में है कैसा। और प्रकाश जी का फ़ोन आया है कि हम थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएंगे रूम पर, इसलिए मैंने कैमरा लगवा लिया और उनके आने तक का वेट करते हैं। A few moments later. रुक जाओ। ये क्या है? शुभ कदम पड़ रहे हैं घर में, करनी चाहिए। लो। देखो मीठा कम खिलाओ उसको, उसको मीठा कम खिलाओ, बहुत चोट है ना उसको। नहीं रहने दो ना, ठीक है, उसको बहुत चोट लगा। देख रहा पकड़ना, कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे, सब ठीक हो जाएगा। एक आ जाओ घर में, आ जाओ, आओ चल बैठो यहाँ, सुबह खा पड़े आराम से। आ जाओ बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, बैठ जाओ तुम भी। देखो ये निकल, इसको आराम से बोल, देखिए ना दर्द बढ़ेगा, ठीक है। रो क्यों रहे हो? कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा सब कुछ, रो नहीं, परेशान नहीं होते। हम हैं ना तुम्हारे साथ। वो है ना तुम्हारे साथ। इतना काहे डर रही हो तुम? कितने टाइम से साथ हो आप लोग? अभी तक नहीं साथ छोड़ा तो आगे भी नहीं छोड़ेंगे। वो कुछ नहीं होगा तुमको, रोशनी तुम्हारे साथ हम है। इतना परेशान क्यों हो रहे हो तुम? तो फिर रो काहे रही हो तुम? ए पागल, रो मत। असल में हम आते हैं एम्स में, इसको दिखाना है ना, तो कॉल आ रहा है थोड़ा सा, वहाँ पे पहले बनवाना पड़ता है ना, पुर्जा लगाना पड़ता है। ठीक है जाओ, तो तुम होकर आ जाओ, बात कर रहे हैं। ठीक है, यहीं पर हैं, कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं, मारे घबराने वाली बात नहीं, रिलैक्स रहो। वो हमारी टीम मेंबर है, हमसे ज़्यादा ख्याल तुम्हारा रखेगी। कोई चीज़ का तकलीफ हो तो उसको बताना। फिर रो कह रही है, अरे रो मत, हम है ना, टेंशन मत लो, हम है ना तुम्हारे साथ, मत हो परेशान। साहब तू बच्चे भी सर हो रही है, हाय पागल। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना, ठीक है ना। कहाँ हुआ? कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के? बेटा कहीं नहीं जा रहे हैं हम ना, आ रहे हैं ना, फोन आ रहे हैं, नहीं लगाएंगे पूरे तो फिर कैसे दिखाएंगे तुमको? देख रहे हो, तुमने हालत देखे हो कभी? बेटा रोना नहीं है ना, हमारी कसम की अगर तुम्हारे आँख से एक बूंद भी आंसू आएगा तो बैठो आराम से, कुछ नहीं होगा तुमको, उतार दो इसे, कंफर्टेबल हो जाओ, अपने ही घर समझो, ऐसा नहीं है, अपना घर है, ठीक है ना, बिल्कुल भी हेजिटेशन मत रखो दिल में, ठीक हो? देखो इसको लग रहा है, देखो ठीक, इसको ज्यादा नहीं हिलाओ, कैनुला ऐसे ही रखो, ठीक है, आते हैं सुनना, कॉल आ रहा है, जाओ जल्दी हो जाओ तुम पहले। और बताओ क्या खाओगे, कुछ खाओगे? नहीं। रो क्यों रहे हो? पहली बात ये बताओ, चुप हो जाओ बिल्कुल, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता नहीं था कि आज के टाइम में भी इतने अच्छे लोग होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो खुद अच्छा होता है उसे सब लोग अच्छे लगते हैं। अपनी नीयत साफ रखो बस। और प्रकाश जी की आदत ऐसी नहीं है, अगर एक बार हाथ थामा है किसी का तो नहीं छोड़ेंगे इतनी जल्दी। परेशान मत हो, घबराओ मत, ठीक है? क्यों घबरा रहे हो? बैठो पहले तो आप आराम से, इतनी चोट लगी हुई है, यहाँ पर आ जाओ, पीछे हो जाओ, लो पानी पी लो थोड़ा, और रो नहीं बिल्कुल भी, गला सूख जाएगा। मुझे भी पता है किसी के जाने से कितनी तकलीफ होती है। हुआ कैसे था ये सब, ये बताओ आप। मुझे कुछ याद नहीं है,
जब ये सब हुआ था तो मैं होश में नहीं थी। कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? टेंशन मत लो, तुम्हारी मम्मी है, उनका ख्याल भी वो रखेंगे। तुम कितनी स्ट्रांग लड़की हो, तुम हाथ नहीं जोड़ो, कोई बात नहीं। तुम कितनी स्ट्रांग लड़की हो, ऐसे हिम्मत हारोगी नहीं ना? शांत रहो फिर, बिल्कुल घबराओ नहीं, इसको सीधा रखो। और कहीं भी लगी है क्या तुम्हारे? पैर में। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी जल्दी। रुको, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ तुम्हारे लिए। आराम से बैठो तुम यहाँ पर, ठीक है? टेंशन क्या है रे? भाई कौन है? भैया रोशनी है। रोशनी? अच्छा वही तो याद नहीं उतार रही है, हैं? क्या हो रहा? ड्रामा कर रहे क्या तुम लोग? भैया उसके चोट लगी हुई है, आराम से बात कर लो। उसको उसको लाया कौन घर में पहले ये बताओ? कौन लेकर आया है? इधर हमसे बात करो, हमसे कौन लाया उसको घर में? प्रकाश जी आए। ये सब कौन बोला ये सब करने के लिए? भाई उसके मतलब चोट, घर में कोई इज्जत नाम का कोई चीज नहीं है, तुम सबके सब एकदम बर्बाद हो चुके। वो कौन है क्या है कभी जानने की कोशिश की हो? भैया वो एक इंसान है, घर में बैठ के आरती दिखा रहे हैं। वो कितनी भी बुरी से एक इंसान है, आप जानते हो हमारा हेल्पिंग का काम है। 130 करोड़ है जनता हमारे, जितनी हमारी नजरों में आएंगे उतनों की तो कर सकते हैं। हिंदुस्तान की कितने लोगों का तुम दुख दर्द भरोगे? जितने हमें दिख पाएंगे, जितने दिख पाएंगे तो जाओ, सबके पास दुख दर्द है। कौन आज के दुनिया में तकलीफ में नहीं? उसकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, मत करो भैया यहाँ पर हल्ला। इसको पहले 2 मिनट के अंदर निकालो घर से, जहाँ से लाए हो वहीं जाकर। भैया ऐसे किसी घर आए मेहमान की बेइज्जती नहीं करते हैं। तो क्या करे यार, इसको तुमको 1 बार 50 बार बोला कि इसको मत लाना है यहाँ पे, इससे मत मिलो तुम लोग, फिर भी जो मना करता हूँ सारा वही तुम लोग करते हो ला करके घर। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो भैया, प्लीज प्यार से बात करो। संजना 2 मिनट का समय है तुम्हारे पास, इसको घर से बाहर रखना चाहिए। ये सब क्या है, क्या है भैया? उसके पैर में भी लगी हुई है। इसको हटाओ पहले, इसको उठो उठो उठो, इसको हटाओ यहाँ से। बैठ जाओ भैया, आप बैठ जाओ। तू हमारा हाथ छोड़ पहले, तुम सब के सब एकदम खराब हो गए, बिना पूछे कोई काम नहीं है। घर में सबको बैठाते रहो, उठ जाओ आप भैया, बैठ जाओ प्लीज, बैठ के बात कर लो, घर तो आपका ही है ना। हमारा दिल कर रहा है, बैठ जाओ तुम भी। आत्महत्या कर ले कहीं जाकर, डूब कर। भैया इतना कुछ भी नहीं बिगड़ा है, क्या आपका भाई है, अपनी नजरों से देखो। बच्चा भी क्या है, क्या बचा है? मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा भैया, मेरे पापा मर गए, मैं बची तो देखो मेरा क्या हाल हो गया। तुम्हारे पापा मर गए ठीक है, हम सुना, हमें भी दुख हुआ, ऐसा बात नहीं हमको दुख नहीं हुआ, लेकिन अब आगे का प्रोसेस जो है उसको पूरा करना चाहिए ना। अब तुम आके यहाँ बैठ गए, यहाँ तुम बैठ के क्या कर सकते हो पहले ये बताओ। भैया आपको बात करनी है, आप इसके ठीक हो जाने के बाद भी बात कर सकते हो। संजना तू हमारे बीच में ज्यादा चपड़ चपड़ मत बोल, समझ रही है ना? कितना जानते हैं इसको, हम जानते हैं ना इसके बारे में। नहीं आई हूँ, मैं इलाज कराने आई हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं खुद चली जाऊंगी। इलाज कराने आई हो ना तो यहाँ मत रहो तुम, यहाँ जो भी लाया कौन लेकर आया है? अपने से आई हो? प्रकाश जी लेके आए। प्रकाश लाया है? अच्छा था कि वो यहाँ से चला गया था। तुम लोग एक ना एक मुसीबत ला के घर में बैठाते रहते हो, तुम ही लोग रहो घर में, हम नहीं रहेंगे। तो हमारे बस का नहीं है तुम लोग ये टीम चलाना, हमारे बस का नहीं। अरे मेरी वजह से आप घर में छोड़ो ना। अरे हम ही हाथ जोड़ लेते हैं ना आपके पास, हमें हाथ भैया ऐसा मत करो, हमारे पास उतनी अति नहीं है जितना आप सोच रहे हो। हमसे जो हेल्प चाहिए वो ले लो, 50,000 लाख रुपए 2 लाख, कहाँ रहना है, किस रूम में रहना है, किस होटल में रहना है, बताओ, हम वहाँ बुक करा दे। मुझे आप मुझे ऐसा मत समझो कि मैं पैसे के लिए आई हूँ यहाँ पे, बस मैं अपना इलाज कराने आई हूँ भैया। अरे हाँ पैसे के लिए आई हो? कितना चाहिए भैया? इलाज कराने आई है वो अपना यहाँ पर। संजना देख मैं कुछ पैसे दे देता हूँ, इनको बोल इनके जहाँ मम्मी पापा रहते हैं वहाँ जा करके रह ले, यहाँ पे रहने की तुम बात कहे नहीं समझती भैया। रह उनकी एक बूढ़ी माँ है, कितनी देखभाल कर लेगी एक लड़की की? कमाने वाला भी कोई नहीं है घर में, कितना चाहिए? कितने दिन घर चला लोगे आप? जितना चाहिए ना उतना ले लो, और यहाँ से दफा रखो चक्कर हो जाए। रोशनी संजना आरती उतार रही है ना, एक दिन आएगा समय कि तुझे टीम से निकलना पड़ेगा।
ठीक है, हम क्या करेंगे कुछ? मैं जब तक आप नहीं चाह सकते जब तक तो मैं नहीं जाऊंगी। अगर आपने जिस दिन कह दिया उस दिन मुझे सच में जाना पड़ेगा। अरे हम क्यों कहेंगे, क्योंकि रखने वाले भी आप ही हो। तुम लोग जैसा कर रहे हो ना, तुम सब अपने आप चले जाओ। हमें अगला दिन दिखाई दे रहा है संजय, ठीक है ना? तुम लोग अच्छा लग रहा है ऐसा। मेरी वजह से मत झगड़ो भैया। क्या सोचे थे क्या? मन तो कर रहा है कहीं जाके हम डूब के मर। संजना तू पहले यहाँ से हटा इसको। भैया जैसा आप समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं। क्या कितना पैसा चाहिए? आप मेरे और प्रकाश जी के बारे में गलत सोच रहे हो। वो सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है। अच्छा। और कुछ नहीं है। हम गलत सोच रहे हैं, तुम लोग सही सोच रहे हो। यहाँ तक तुम पहुँच गई है, तुम लोग सही सोच रहे हो, हम भी गलत सोच रहे हैं। मैं सिर्फ अपना इलाज कराने आई हूँ। और मेरे इलाज यहाँ नहीं ना होता है। इलाज नहीं यहाँ होता है, इलाज हॉस्पिटल में होता है। कुछ पैसे फंसे हैं बस भाई। तो हम दे रहे हैं ना पैसे, दे रहे हैं आपको। कितना पैसा चाहिए? मुझे नहीं चाहिए भैया, मुझे नहीं चाहिए। भैया सही नहीं है ये किसी के साथ ऐसे बिहेव करना। हमको बताएंगे कैसा बिहेव करना है? अच्छा लग रहा है ना तुम लोग? अरे कॉपी में लिख कर रख लो, डायरी में नोट कर लो, आएगा एक ऐसा समय कि तुम सब यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे ऊपर ज्यादा मुसीबत आने वाला है, हमें दिन दिख रहा है। आज आरती उतार मेरी वजह से किसी का तो भला हो रहा है। फूट फूट कर रोगी बैठ करके। तुम चलो कोई बात नहीं, तुम खड़े हो, ले जाओ यहाँ से। दो मिनट के अंदर इसको तुरंत ले जाओ, मैं इस वक्त नहीं देखना चाहते। भैया गलत कर रहे हो आप, उसके बारे में सोचो तो। उसके पापा नहीं रहे, अकेली माँ है घर में। हमारे भी मम्मी पापा दोनों नहीं रहे, मर गए हैं। हम किसके आगे जाके रोए कि हाँ हमको शरण दे दीजिए, हमको शरण दे दीजिए? किसके आगे जाके हम रोए? भैया काफी समय हो गया है। समय हो गया, ये भी कुछ समय की बात है पहले की। इतनी जल्दी नहीं हादसे से बाहर आता है इंसान। 50,000 एक लाख रुपया दे देते हैं ना ये अपने मम्मी के साथ। पैसों की नहीं, साथ की जरूरत है उसको। मम्मी तो है ना, मम्मी है ना, मम्मी है, मम्मी है, पापा नहीं है। ठीक है, मम्मी के साथ रह ले अपना। भैया वो विधवा हो चुकी है। तो विधवा हो चुकी, विधवा आदमी जिंदगी नहीं जीता है। जीता है पर उनसे पूछो कि उनके दिल पे रोज कैसे एक एक दिन बिता रही होंगी वो। अब हमको मत समझा, ठीक है? हमको मत समझा। किसको किसको लाकर हम यहाँ बैठाएंगे? आप मेरी वजह से मत झगड़ो मैम, हम आपसे कह रहे हैं। चली जाऊंगी। बेटा देखो हमारी बात मानो, आप अपने माँ के पास चली जाओ, ठीक है? आपको पैसे से जितना हेल्प चाहिए हम आपको करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तू इसको जा यहाँ से लेके जा, पहले बता ना यार, तू ही देना जवाब। हर आदमी का जिंदगी अपना पर्सनल होता है, उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, किसी के सहारे नहीं चलना पड़ता है। अभी यहाँ रहेगी पता है लोग क्या क्या सोचेंगे, कैसे कैसे सोचेंगे। गांव में भी लोग देखते थे कभी कभार ये मिलने जाता था, आज यहाँ देखेगा कि साथ में रह रहा है, लोग क्या कहेगा? उसे तो सहारा दो। हम दे रहे हैं ना सहारा, हम कहाँ मना कर रहे हैं कि सहारा नहीं दे रहे, लेकिन वो अपने मम्मी के पास रहे, हमारे पास नहीं रह सकती। जब तक वो ठीक नहीं हो जाती वो यहीं रहेगी। मतलब ये तुम लोग फैसला कर चुके हो? दो रूम है ना इस घर में, मेरे रूम में रह लेगी वो। ले जाओ, तुम ले जाओ, आज के बाद आना मत इस रूम में कभी। अच्छा तू क्या क्या कर रहा है? कब तक कुछ सबसे कर दिखा लोगों को, दुनिया को तमाशा दिखा, हम भी दिखाएंगे तमाशा। तमाशा बना के रखे हो तुम। ले जाए ये अपना मोबाइल भी ले जाना चाहिए, मोबाइल यहाँ मोबाइल वाले मत छोड़।